अचार। अस्सलामुअलैकुम, मैं तरफ ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपने मियाँ के साथ होंगे, अपने बच्चों के साथ होंगे, अपने सास के साथ होंगे, अपने भाई के साथ होंगे, अपनी बहन के साथ होंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे और अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे या फिर अकेले होंगे। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग है शॉपिंग, ग्रोसरी। आज मैं लेने जा रही हूँ राशन। रात के 8:30 बज रहे, खाना शाना खा लिया है, तैयार श्यार हो गई हूँ, थोड़ा निकल लिया है और यहाँ में जो है मैं अपना व्लॉग देख रही थी, क्योंकि आप जल्दी से जाएं, मेरा व्लॉग अभी डल चुका है मजेदार। उसको जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करो, पूरा वॉच करें, बहुत ही मजेदार वीडियो है और बहुत कुछ उसके अंदर हुआ भी है मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ है। तो जल्दी से सुनो, छोटी व्लॉग में जाएं, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जल्दी से अगले वीडियो देखें। तो जी गाइज, आज मैं जा रही हूँ राशन लेने। अब आपको बताया था मैंने घर लिया, सारे आपको मैंने सेटिंग दिखाई, उसके बाद मैंने अपने किचन के सामान भी ले आई, मैं किचन की बर्नियां भी आई। अब किचन की बर्नियों में सामान कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी हुई है बर्निया। कहती है इसके अंदर कुछ भरो तो सही। तो भाई थोड़ा बहुत सामान लाई थी पकाने के लिए, वो खत्म हो चुका है। तो आप जाएंगे राशन लेने, क्योंकि राशन से ये होता है कि आपके घर में हर चीज पड़ी होती है, आपको टेंशन नहीं होती। मेहमान आए, आपने झटपट पका लिया, मेहमान गए, आपने झटपट पका लिया, तो भाई इससे आसानी हो जाती है। और मेरा जो है ना किचन हमेशा चलता रहता है, माशाल्लाह खुला हुआ किचन ना, इसका कोई दरवाजा ही नहीं, सुनो पर किचन एनी टाइम खुला रहता है। तो उसमें मजे मजे खाने पकते हैं, तो मैं राशन लेकर आऊंगी तो उसको रख दूंगी सेफ, क्योंकि ये मेरा 2 महीने तक चलता है और बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई आज जो है तैयार श्यार होकर पैकिंग वैकिंग कर ली, पैसे वैसे भी डाल लिए मैंने, तो चलते हैं आज राशन लेने। तो आज का व्लॉग है मेरा घर का राशन। इसके अंदर बिठाओ और मुझे घुमाओ। मैंने कहा घूमने की जगह नहीं है, इसमें राशन डलेगा। बेटा कह रहे हैं इसमें बिठाओ, मुझे इसमें बिठा के घुमाओ। नाजरीन, सूप की शिद्दत की जरूरत है, तो यहाँ पे मैंने सॉसेस ले लिए, क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ। आपको पता है मेरा सरोवर किचन है, हर चीज़ मैं घर में बनाती हूँ। तो ये सूप की तैयारी के लिए मैंने अपना राशन नहीं लेने आई हूँ, इनकी चीज़ें लेने आई हूँ। हाँ, सबसे पहले हमला हो गया सब चीज़ों पे, टॉफ़ी, बिस्किट, अब यही इनका है लेना, खाने पीने की चीज़ें, राशन बाद में। मैंने कहा पहले तुम लोग सामान ले लो, मैं आराम से राशन लूँगी। बेटा राशन भी लो, राशन भी ज़रूरी है। बहुत एनर्जी ज़ाया हो गई है, तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमने जूस भी लिया है। अब बारी आ गई मेरे खाने पीने की, मेरे सनोबर किचन की चीज़ों की, क्योंकि आपको पता है मेन मकसद है सनोबर किचन का सामान लेना। तो सनोबर यहाँ इनका हो गया बच्चों का, अब है सनोबर किचन। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कर ली है घी और ऑयल से। ब्रांड का लिया करें आप। अब हमारी गाड़ी रवा दवा है चावल और दालों की तरफ, तबाही की तरह। सुनोबर किचन में तबाही होती है ना, रोज मजे मजे के खाने पकते हैं। इसको डाल दे, गाड़ी हमारी ऑफिस। क्या हुआ, नुकसान कर दिया इनका? चलो आज बाबा साबुन ले लिया, पाउडर ले लिया, छोटी इलायची बड़ी इलायची ले ली। आ जा चावल मेरी जान, मेरा बहुत फेवरेट है, फेवरेट सही है। थोड़ा तो पटा हुआ होता भाई। चलो अचार, हर खाने की शान, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ अचार। यूसुफ और क्या लेना है? बस भाई यूसुफ ने बोल दिया बस। राशन में ये नजर नहीं आ रहा सारा, ये ना राशन में ये भी चला जाए, ये ना काउंट हो जाए।
मिल चुकी है, ये देख सकते हैं और बहुत ही प्यारी सी। इन्होंने आपका YouTube सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे ख्याल में। नाम बताओ ना। घर में आते साथ ही मेरी चीजें मेरी चीजें मेरी चीजें, मेरा राशन कहाँ और उनकी चीजें कहाँ। तो नाज़रीन आज का व्लॉग था हमारा घर का राशन जो हमने खरीद लिया है। लिस्ट दिखाऊं आपको, ये देखें कितनी बड़ी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट से अंदाजा लगा रहे कितने हजारों का बिल होगा, इतने हजारों का बिल होगा, इससे अंदाजा लगा रहे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और हमेशा हमेशा हमें भी प्यार दें, इस व्लॉग को भी प्यार दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।